सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो यार, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। एंड काफ़ी बच्चे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया फॉर्म फिल कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है SLC पोर्टल पर, एंड किस तरह से विजिट करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही करना है, बिकॉज आप सबसे पहले रजिस्टर करने वाले हो। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद आपको क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, एंड उसके बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। उसके बाद जाके आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, एंड सो ऑन सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी आपको एक स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने वो बना रखी है, सो दैट यू कैन इजीली चेक कि किस तरह से फॉर्म करना है फिल। और जल्दबाजी में मत करना, 18 तारीख डेडलाइन है, तो आराम से फिलअप कर सकते हो, और मिस्टेक्स के चांसेस ज़ीरो रखना। फिर बाद में दिक्कत आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे चक्कर काटने पड़ जाएगी, कुछ गलत हो गया। एंड लास्ट में आपको एक फॉर्म फ़ी भी फिल करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी, तो वो अराउंड 500 to 700 के आसपास होती है, डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट, तो वो भी पे करनी है। और जैसे ही पे कर दोगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, एंड आपके पास एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगी कि आपने रजिस्टर कर दिया है। सो याद, आप चेकआउट करो एंड फर्दर वीडियो देखो अच्छे से, डबल की स्पीड पे भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एंड तक देखोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो इन्होंने दे रखी है, जो कि है slc.uod.ac.in। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, इस तरह से कॉपी कर लेना लॉन्ग प्रेस करके, एंड फिर अपने ब्राउज़र में जाके ओपन करना। जैसे ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस तरह का पोर्टल शो होगा, ठीक है, इस तरह का पोर्टल आपको वहाँ पर शो होगा। एंड आपको वहाँ पर इंश्योर करना है, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो तो बहुत सही है, अगर नहीं भर पा रहे, नहीं है लैपटॉप तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल फ़ोन से करो, बट क्रोम में खोलो तो ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, वहाँ से डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। ओके, तो लाइक आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट पोर्टल, एंड देन आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, लॉगिन, रीसेट पासवर्ड एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको इस तरह का पोर्टल शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, यानी कि आपको 4 चीज़ें डालनी है अपने बारे में, यानी कि पर्सनल डिटेल्स होगी ये, यानी कि स्टूडेंट प्रोग्राम, यानी आपका प्रोग्राम कौन सा है, देन आपका नेम, यानी कि जनरली जो यूज़ करते हो आपका एडमिशन फॉर्म्स वगैरह में, देन मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका ईयरली एग्ज़ाम है या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम, एंड देन एनरोलमेंट नंबर। अब एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा या तो कॉलेज प्रोवाइड कर देगा आपको, अदरवाइज़ आपको DU के एडमिशन पोर्टल पर जाना है, जहाँ पर आपने एडमिशन कराते वक्त कट ऑफ वगैरह देखी थी जिस पोर्टल पर, उस पोर्टल पर लॉगिन करो, अपनी ID पासवर्ड डालो, एंड वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर शो हो जाएगा। जैसे एनरोलमेंट नंबर फिल करोगे वहाँ पर, यहाँ पर, एंड देन सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे तो आपसे फिर वो और डिटेल्स मांगेगा, यानी कि पर्सनल ID एंड पर्सनल मोबाइल नंबर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ही भरो, ताकि ज़रूरत भी पड़ने वाली है तो फिर आपको फिल करना है। एंड जैसे फिल करोगे एंड सबमिट करोगे, देन आपके पास OTP जाएगा, रजिस्टर्ड मेल ID या फिर मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ फिल किए थे, तो फिर वो OTP डालो। OTP डालने के बाद कन्फर्म का ऑप्शन करो, एंड देन सबमिट कर दो। जैसे सबमिट कर दोगे, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ डालो, ऐसा डालो जो रिमेंबर रहे, एंड किसी को देना भी मत, एंड देन कंफर्म कर दो एक बार रीटाइप करके पासवर्ड, देन सबमिट कर दो। अब क्या होगा, अब वापस से आपको पोर्टल पे जाना है, फिर से स्टार्टिंग से जाना है, यानी कि लॉगिन पोर्टल पे जो स्टार्टिंग में दिखा था। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बिकॉज आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अभी आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, एंड देन पासवर्ड जो ऊपर सेट किया था, जैसे कर दोगे उसके बाद ऐसा आपको डैशबोर्ड शो होगा। अब ये डैशबोर्ड है, अब ये आपको यहाँ पर इस तरह से शो होगा। अगर आपका कोर्स कोई और है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर शो होगा, पोल साइंस ऑनर्स है तो पोल साइंस ऑनर शो होगा, एंड फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इनिशियली कोई सब्जेक्ट्स नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो एंड आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर के यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिख रहे होंगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं दिखेगा। देन फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम कोई नहीं दिखेगा तो आपको नीचे जाके सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका SCC कौन सा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगा ACC होगा, देन आपका GE पूछेंगे, देन आपके कोर सब्जेक्ट्स पूछेंगे, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे फिल करोगे और सबमिट करोगे तो नेक्स्ट टाइम पर आपको इस तरह से शो होगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर कर देना सबमिट कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। सबमिट कोर्स सिलेक्शन करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको एक बार फिर से पूछेगा, एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं गलती होगी तो फिर हम चेंज करने नहीं देंगे, तो अच्छी तरह से चेक करना एंड कंफर्म वगैरह कर लेना, देन आपको यहाँ से सबमिट कोर्स सिलेक्शन करना है।
ठीक है, जैसे सबमिट कोर्स सिलेक्शन करोगे तो आपका यहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरह से आ जाएगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपके ये एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट सेम के अंदर। अगर फोर्थ सेम के फिफ्थ सेम है तो आपके पुराने वाले जो शो करेंगे एक एड ऑन सेमेस्टर और हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये वाला होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलिंग। अभी तक आपने सिर्फ रजिस्टर किया, आपने बताया है कि हमारा एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का है, उसके लिए हमने रजिस्टर कर दिया। अब बात आती है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का कुछ नहीं है, जैसे ही इस एग्ज़ामिनेशन हेड के अंदर जाओगे अपने पोर्टल में ही, नीचे ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, ठीक है, एंड ऊपर आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर 2021 नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपको सेकंड स्टेप आएगा, इन अ न्यू विंडो एग्जामिनेशन फॉर्म विल अपीयर एंड स्टूडेंट नीड्स टू फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको डिटेल्स फिल करनी है, कौन सी, ये वाली, आप PWD कोटा से हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल डाल देना है, परसेंटेज ऑफ डिस्पे, अगर नॉट एप्लीकेबल डाल दोगे तो अपने आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो फिर वो नीचे कोर्स दिखा देगा आपको फिर से एक बार और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब जैसे सबमिट करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन है वो कि पे एग्जामिनेशन फ़ीस। अब जैसे करोगे तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट की आ जाएगी, जैसे कि मिनिमम फी फॉर सेमेस्टर 5 कोर्स इज़ 400, यानी कि कम से कम फीस फिफ्थ सेमेस्टर की है 400, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क फीस उसके 100 लगेगा, देन उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फी उसका 10 रुपीज़ है, तो टोटल 510 फीस है, ठीक है, मतलब जनरली कोर्सेज की इतनी ही होती है, बाकी डिपेंड्स प्रैक्टिकल वगैरह की अलग होती है, तो आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर अच्छे से दिख जाएगा। एंड देन आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा ये पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड आप किसी भी से भी कर सकते हो, यानी कि डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI जो आप यूज़ करते हो वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मर्जी है डालनी है डाल दो वरना रहने दो, PAE का नेम भी मर्जी है डालना है डाल दो वरना रहने दो। अगर आप ICICI बैंक से करते हो तो ठीक, अगर आपका कोई और बैंक है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे CVV वगैरह डालना होगा, एंड देन प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपकी पेमेंट कट जाएगी एंड आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर ऐसे इस तरह से शो होगा, अमाउंट पेड दिस दिस एंड ऑन दिस डेट, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर सबमिशन डेट दे रखी है नवंबर 9, 2021, मतलब ये तो सब सिंपल ही है। और यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा सबमिटेड, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, एंड देन आपको कुछ नहीं करना। अब जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा वापस से पोर्टल लॉगिन करना है, और जब पोर्टल लॉगिन करोगे, मैंने आगे का भी बता रहा हूँ, जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर फिर से आपको क्लिक हेयर करोगे, जब क्लिक हेयर करोगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम शो हो जाएगा। सो ये कुछ प्रोसेस है, मैं इसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मेरी एक बात सुनो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम एंड ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती है, तो इसी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बनता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, बिकॉज बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं पता किस तरह से सारा फॉर्म फिलअप होने वाला है। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, एंड इन फ्यूचर कैसी वीडियो देखना चाहोगे उसके बारे में मुझे बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।